तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज की इस व्लॉग में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक बार आप मेरे रूम टूर ले लो छोटा सा, ठीक है गाइस। पहला ये मेरी टेबल, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पापा सो रहे हैं, मैं अकेला जगा हूँ अभी व्लॉगिंग के लिए, ऐसे टाइम पास। तो गाइस ये देखो आप, अभी मैं कैसे दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड ना गाइस, मैं फ्रंट कैमरा, गाइस मैं फ्रंट कैमरा करता हूँ। गाइस आप ये देखिए एक बार मेरा प्यारा सा, ये गाइस हमारा बैकपैक है और ये हमारा सामान फैला है और ये मेरे पापा सो रहे हैं। मैं बता देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस आफ्टर वन ईयर मैं जहाँ से जा रहा हूँ, आज ही मतलब अभी मैं 6-7 दिन पहले ही पिछले साल आया था यहाँ पे दिल्ली वापस, और अभी हम जा रहे हैं। गाइस ये एक ऐसा दिन है जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, आपको याद होगा 21 को जनता कर्फ्यू लगा, तो 21 को ही हम जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ गाइस मैं क्यों जा रहा हूँ। गाइस मेरे पेपर हो चुके हैं खलास, ठीक है गाइस। अभी रिजल्ट आएगा पता नहीं कब तक, लेकिन मेरे पेपर हो चुके हैं आराम से खत्म। ऑनलाइन पेपर हुए तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो गाइस बस हमारी अभी कितने बजे को, हमें 3 बजे उठना है, 12 बज चुके हैं, 3 बजे हमें उठना है, 12 बज चुके हैं। तो फिलहाल तो नींद नहीं आ रही, पता नहीं कैसे सो जाते हैं यार ये लोग। मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ एक साल बाद जाने के लिए, तो मज़ा आने वाला है, एनर्जी बिल्कुल फूट फूट के बढ़ी है। तो गाइज मैं ज़्यादा नहीं मुश्किल से 1 घंटा सोऊंगा, क्योंकि 3 बजे उठ जाएंगे, 3 घंटे ही है बस मेरे पास, 12, 1, 2, 3 3 बजे हम उठेंगे, फिर ब्रश ब्रश करेंगे, उसके बाद कुछ चाय वाय पी के फिर हम निकल लेंगे, क्योंकि इस बार हमें निज़ामुद्दीन न्यू दिल्ली स्टेशन जाना है, तो वहाँ से फिर हम ट्रेन लेंगे। हाँ गाइज मेन बात तो बताना भूल गया, गाइज मैं पहली बार शताब्दी में जा रहा हूँ, एक्साइटेड पहली बार शताब्दी में जा रहा हूँ। गाइज मैंने सुना उसमें खाना बंद हो गया यार, मैं इसलिए गया था फूड। गाइज मैं सोच रहा हूँ अपना फूड व्लॉगिंग चैनल बनाऊँ, मजाक कर रहा हूँ। तो गाइज शताब्दी में हम पहली बार जाएंगे, पहला एक्सपीरियंस कैसा क्या होगा, तो वीडियो तो व्लॉग बहुत ही बड़े बनाना होगा, तो लाइक ठोक देना, लाइक ठोक देना। मैं आपको मिलता हूँ जब मैं अभी सो के उठता हूँ, फिलहाल तो अभी मैं चला सोने, मेरे घर में सब सो रहे हैं यार, देखो कैसे सो जाते हैं। से हाय टू माय व्लॉग, से हाय टू माय व्लॉग, सब सो रहे हैं। थोड़ा पीछे 12 गाइस बज चुके हैं, बस अभी अब मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस मिलते हैं आपको अभी जब मैं सो के उठता हूँ, तो गुड नाइट, मतलब अभी मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 3:30 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ, जिसका आप ये मुझे देख सकते हो। तो गाइस बस अब थोड़े ही मिनटों में मैं निकलने वाला हूँ, तो लास्ट टाइम अपनी मछलियों को देख लेता हूँ। चाय पी रहे हैं, तो देखो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, देखो मेरे बिना चाय चल रही है, मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो मम्मी भी चाय पी रही है, पापा भी चाय पी रहे हैं, मैं भी कहूँ। तो गाइस हमारी कैब बुक हो चुकी है, तो गाइस आखिरी बार अपनी मछलियों को देख लेता हूँ, फिर हम इनसे मिलेंगे 1-2 महीने बाद। तो मछलियाँ बाय 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 बाय। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस एक बार आप और देख लीजिए प्यारी मछलियों को। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारी बोल आ चुकी है, बहुत टाइम लगा लेकिन आ चुकी है। चलो तो गाइस चलो फाइनली अभी हम ओला में आ चुके, तो अभी दिल्ली जा रहे हैं, हमें लग रहा है हम लेट हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं देखो कब तक पहुंच रहे हैं, तब तक अपनी राइड एंजॉय करता हूं, आपको कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स देता हूं। अभी देख सकते हो हम आ चुके हैं, तो अभी अपना हम प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढ रहे हैं कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारी गाड़ी आएगी,
गाइस ये तो पूरा स्टेशन चेंज होगा, मतलब पहले जितनी भीड़ रहती थी अब उतनी भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले जिस तरीके से स्टेशन भरा रहता था, मेरा मास्क क्यों नहीं जा रहा है, हेलो। हे गाइस उतनी तो भीड़ है नहीं फिलहाल, अभी चलो चलते हैं। तो गाइस हमें हमारी ट्रेन तो मिल गई है, अब तो अभी हम जा रहे हैं C10 की तरफ, क्योंकि हमारा जो ट्रेन का वो है वो C10 में, तो चलो अभी फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं। तो हमारी साइड में हमारी ट्रेन है शताब्दी, तो चलो अभी चलते हैं। हम C6 तक आ चुके हैं और ये हमारे पापा जो ट्रॉली बैग खसका रहे हैं। और गाइस यहाँ पे एक चीज अच्छी करती है, अगर आपको सैनिटाइजर मास्क वगैरह कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे एक अलग से स्टोर खोल दिया है, आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पहले की अपेक्षा भीड़ बहुत कम है भाई, पिछली बार से तो बहुत कम भीड़ है, मेरा मास्क नहीं जा रहा है, मैं बांध दूंगा इसे। तो गाइस पिछली बार से तो बहुत कम भीड़ है, तो अभी मजा आएगा, तो गाइस देखते कैसा क्या होगा, तो चलो अभी चलते हैं। बहुत अच्छी लगी, मतलब जैसे कि जो ये ट्रेन है इसका टाइम था 5:30, और ये एग्जैक्ट 5:30 पे चली है, और इस ट्रेन में खास बात की इसकी सैनिटाइजिंग हो रही है अच्छी से, ठीक है। और उसके बाद पुलिस राउंड लगा रही है कि किसी ने मास्क पहना है नहीं पहना है, टिकट चेकिंग हो रही है, और वॉशरूम के बाहर सैनिटाइजर्स हैं, और वॉशरूम के अंदर क्या कहते हैं हैंड वॉश है, मतलब सफाई मतलब बढ़िया है, एकदम कुल मिला के एकदम बढ़िया, इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं झांसी के स्टेशन पे, तो बस अभी भैया हमें पिक करने आ रहे हैं, मैं हमने कॉल तो लगा दिया था जब ट्रेन में थे, तो बस अभी वो आ रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन जा रही है, फाइनली पहुंच गए, बूम बाम करेंगे अब। इस क्यूटी को देखो, हेलो ओए ओ झुटकू, काटेगा तो नहीं ओए कालू, फ्यूज हो जाते हैं तो पापा खुद अपनी जवान खुद अपने हाथों से मुझे कुत्ता दिलाएंगे, एग्री करते हो बात, पहले बताओ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अरे पहले हाँ, लेकिन गाइस आप लोग साथ नहीं लेते इसको बुलाने के, हाँ या ना बोलो, दिलाओगे बन के व्यू पे? यस ठीक है, करवा दो गाइस बन के, गाइस करवा दो, बहुत ही प्यारा डॉग लाऊंगा, माँ का सब मजा आ जाएगा, करवा दो जल्दी।
यूपी। हेलो गाइस, फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं। तो हर बार की तरह हमें लेने आए हमारे भैया। अरे करो, अरे भैया का बेटा। हाय करो यूपी। तो गाइस हम आ चुके हैं, फिलहाल तो अभी गर्मी लग रही है तो अभी घर जाएंगे। और ये हमारे भी है भी ड्राइवर। भी हाय करो। से हाय टू माय ब्लॉग। हाय करो। से हाय टू माय ब्लॉग। गाइस तुमको पता है ये कार चला लेता है, सीक्रेट बताऊं कसम से। कार चला लेते हो ना यूवी? मुंडी हिलाई। इसकी मुंडी तो दिखा जब तक हिला है। अच्छा मुंडी हिलाई यूवी, कार चला लेते हो ना? अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं गाइस। झांसी का पूरा नक्शा सा बदल चुका है स्टेशन का, मतलब जैसे हर बार मिलता था ऑटो की भर 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 भर, मतलब पूरा नक्शा सा चेंज हो गया। वहाँ पे क्या क्या पता नहीं, मॉल वॉल खुला है पता नहीं क्या खुला है भाई, बिल्कुल चेंज हो गया भाई पूरा। मैं तो भाई पहचान में ही नहीं आ रहा था स्टेशन। यो यो यू भी हमारे टॉफी खाते हुए सीखना। अरे सीख जाए, 18 साल का हो जाओ। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को अभी ये ब्लॉग कुछ ज्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि आपको पता है यार ये ब्लॉग, अरे यार हाँ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग हो चुका है बहुत ही ज्यादा लंबा, तो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ गाइस। अभी आपको बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे झांसी के विद मेरे भैया के साथ, और ये ऊ भी टू भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे। मेरे एग्जाम थे इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था, लेकिन बस एग्जाम खत्म फुल घूमाऊ गाइस। तो गाइस अभी आपको इसका एक सेकंड पार्ट मिलेगा, जिसमें मैं दिखाते हुए जाऊंगा घर में जाऊंगा, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब हम एक साल बाद घर आए। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में करते हैं यही एंड, तो मैं मिलता हूँ आपको सेकंड पार्ट में। तब तक बाय बाय।